नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। यातायात विभाग की चालानी कार्रवाई से शहर में हड़कंप। सड़क पर वाहन खड़े करके पुलिस ने काटे वाहनों के चालान। जिला अस्पताल के सामने झोलाछाप हकीम बेच रहे हैं दवाए। अस्पताल प्रशासन की मौन सहमति या मनमानी का आलम। पहली बार इंटरसिटी के पथरिया में रुकने पर किया स्वागत। पथरिया विधायक लखन पैडल पहुंचे ट्रेन का इस्तकबाल करने। विज्ञान के चमत्कारों से अंधविश्वास की खोली पोल। ब्लॉक स्तर के विज्ञान मेले में बच्चों ने दिखाया नाटक। और पूरे जिले में सरपंच सचिवों का प्रदर्शन का दौर जारी। जिला मुख्यालय के साथ ब्लॉक स्तर पर भी चल रहा है धरना। और अब समाचार विस्तार से। यातायात विभाग की ओर से इन दिनों यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत यहां पर दिन के समय की गई चालानी कार्रवाई के दौरान अनेक चौराहों पर जाकर वहां वाहनों की जांच के साथ कागजातों की जांच हो रही है। वहीं शाम के समय यातायात प्रभारी सहित अन्य यातायात कर्मियों की ओर से घंटाघर के पास कार्रवाई की जाती रही, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ही यातायात के नियमों को दरकिनार कर रास्ते में ही अपने वाहन खड़े करे हुए कार्रवाई करते रहे, जिससे यातायात के चालानों से पीड़ित लोग सहित आम लोग यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते नजर आए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से लगातार ही दमोह के जिला अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अव्यवस्था के नजारे हमेशा ही देखने को मिलते हैं और यहां का प्रशासन आंखें मूंदे यह सब देखता रहता है। ताजा मामला मंगलवार की शाम का है, जब एक हकीम नुमा एक व्यक्ति मछली की हड्डी तथा उससे बनी सामग्री तथा तेल लेकर अस्पताल के गेट के सामने घुटनों के दर्द को ठीक करने का दावा करता नजर आया। साथ ही यहां पर दवा को बिकता देखकर लोगों का मजमा लग गया। आइए दिखाते हैं यह नजारा जो अस्पताल के सामने देखने को मिला। ये कोई भी दर्द, कमर का, घुटने का, पैर का कोई भी दर्द, इसको धागा में पहन। भाई वगैरह अस्पताल हम तो भाई चैंबर बिक 5-6 दिन से बिक रहे इस मार्केट में। भाई इस मार्केट में बिकते भाई, इसका बारे में हजारों आदमी का जानता है। उसके तो लिया था, पहले लिया था कितना उसको, पहले लिया कितना पहले लिया था, एक महीने से लगा हुआ था। इसको उतरा दे भाई, इसको लेकर। पथरिया रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को ढोल लगाड़ों के साथ पहुंचे नेताओं को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ते नजर आए। इस धूमधाम को देखकर लोग ट्रेन से किसी नेता के आने का कयास लगाते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पथरिया विधायक के प्रयास से अब पथरिया में इंटरसिटी ट्रेन भी रुकेगी तो यात्रियों के चेहरों पर खुशी नजर आई। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा के लोगों ने पहुंचकर आभार जताया। वहीं इस स्टॉपेज को लेकर लखन पटेल ने अपनी बात कही। हम लोग सब आज यहाँ इंदौर रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज आज माननीय सांसद प्रहलाद पटेल जी ने कराया है, उसका आज हम लोग यहाँ स्वागत करने आए थे। और सांसद जी का इस माध्यम से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये एक सौगात दी हमारे पथरिया के लोगों के लिए। आसपास के लोगों को इंदौर जाने के लिए एक बड़ी सुविधा हो गई कि सीधे इंदौर की ट्रेन हो गई और कम समय में ये पहुँचा देगी। दूसरी ट्रेन इंदौर की थी जो कभी कभी 4 बजे रात को या 3 बजे रात को पहुँचती थी, ये शाम को करीब 8:30-9 के बीच में वहाँ इंदौर पहुँचेगी तो लोग अपने समय से वहाँ जा सकेंगे। दूसरी एक और बात आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं और सांसद जी दिल्ली गए थे, पत्राचार किया। विंध्याचल की यहाँ बहुत दिनों से मांग चल रही है, दयोदय की बहुत दिनों से मांग चल रही है, उसके लिए भी उन्हें आश्वस्त किया है कुछ शीघ्र उसका स्थापित यहाँ पथरिया में किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए ब्लॉक स्तर पर विज्ञान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को विज्ञान के चमत्कारों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। इसी के तहत पथरिया के उत्कृष्ट विद्यालय में भी विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जहाँ पर बच्चों को नाटक के माध्यम से विज्ञान के चमत्कार एवं अंधविश्वास के बारे में जानकारी से अवगत कराया गया। इन चमत्कारों को देखकर कई उम्र दराज लोग दांतों तले उंगलियां दबाते नजर आए। इन दिनों पूरे प्रदेश में सरपंच एवं सचिव आंदोलन की राह पर हैं, लेकिन जिस मुख्य सचिव जुलानिया के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है, ना तो उसके कानों पर जू रेंग रही है और ना ही मध्य प्रदेश शासन ही इनकी कोई सुध ले रहा है। यही कारण है कि जिला मुख्यालय के साथ ब्लॉक स्तर पर भी यह आंदोलन लगातार किया जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश सचिव सरपंच संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य आकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। वो अपने इस संगठन के बारे में और इस पंचायती राज की जो व्यवस्था है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में कह रहे थे पंचायतों में अभी अधिकारों की कमी है, उनको और अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है, और ये कैसे मुख्यमंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के, उनकी भावना को भी सम्मान नहीं कर रहे कि जो हमें अधिकार थे और अधिकार हमारे छीने जा रहे। पंख बना के रख दिया है पंचायती राज व्यवस्था को। भारतीय जनता पार्टी के जो पितृपुरुष हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, हमारे राष्ट्र पुरुष महात्मा गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी भावना थी पंचायत राज व्यवस्था की के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। हम पंक्ति के पहले व्यक्ति सरपंच तो योजना कर नहीं पा रहे, अंतिम व्यक्ति तक कहां तक हम अपने लाभ पहुंचा पाएंगे। नए साल के आगाज के साथ ही लोगों ने अनेक स्थानों पर जाकर नए साल का आनंद लिया, जहां पर लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात करके नए साल के अच्छा बीतने को लेकर अपनी आस्था प्रकट की। प्रहरी के रूप में आप लोग भी अपने क्षेत्र में जो विकास का आयना हो उसके रूप में, समाज का आयना हो, उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, जो आप लोग समाज के होने नतीजे पर पहुँचा है कि शहर की सुविधा होगी पत्रकारिता के मुकाबले गांव की पत्रकारिता, अधिकारी अमला छोटे पत्रकारों को, छोटे स्तर के कस्बाई नेताओं को हमेशा आप लोगों को कभी कभी साफ कर रहा है। जहां लोगों ने नोहलेश्वर के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर दर्शन किए, वहीं फुटेरा वार्ड नंबर 2 के हनुमान मंदिर में जाकर कीर्तन करते हुए नए साल को आनंद से बीतने की प्रार्थना भगवान से की। इस दौरान बर्ल्ड बॉस हनुमान समिति के लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। Thank you.
दो दिन से दमोह के आसमान पर छाए बादलों के बाद लोगों को मंगलवार की दोपहर में निकली धूप से राहत मिलती नजर आई। वहीं इसके पहले लोग आग के सहारे इस ठंडे मौसम से राहत पाने की जुगत करते रहे। दो दिन से हो रही कड़ाके की कोहरे वाली ठंड के चलते कुछ शालाओं में छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी अवकाश दे दिया गया है। देखना होगा कि आगामी दिनों में लोगों को कितने दिनों तक इस प्रकार की ठंड से दो चार होना पड़ सकता है। ग्राम आमचोपड़ा के लोगों द्वारा एक गाय को इलाज देने के साथ ही उसकी जान बचाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आमचोपड़ा गांव में एक कड़कड़ाती ठंड में एक गाय पड़ी हुई थी, जिसको देखने के बाद वहां के लोगों ने डॉक्टर एक साहू को बुलाया, साथ ही उसका इलाज कराया। वहीं सांसद द्वारा उपलब्ध कराए गए पशु वाहन से उसे पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका इलाज कराया गया, जिससे गाय की जान को बचाया जा सका। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। आगमन आगमन आगमन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का आगमन। संवाद कैशलेस इंडिया के तहत आयोजन 6 जनवरी 2017 को। निवेदक जिला युवा मोर्चा दमोह।